नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पे। सूर्यपुरा प्रखंड के कवारे रिटाइन सेंटर पर सुविधाओं का घोर अभाव। रोहतास से जिला रिपोर्टर राजेश कुमार सिंह के साथ राजू रंजन दुबे की रिपोर्ट। सूर्यपुरा प्रखंड का उत्क्रमित मध्य विद्यालय अलीगंज में बना क्वारंटाइन सेंटर वैश्विक स्तर पर फैले कोरोना वायरस को लेकर पूरे भारत में केंद्र सरकार के द्वारा पूर्ण रूप से लॉकडाउन लगाया गया है। इस लॉकडाउन के कारण प्रदेशों में संचालित बड़ी बड़ी कंपनियों में ताला लटक गया है, जिसके कारण कंपनियों में काम करने वाले मजदूरों के सामने भुखमरी की समस्या उत्पन्न हो गई, जिसके कारण प्रवासी मजदूर अपने घर लौटने पर विवश हो गए। सरकार के द्वारा प्रदेश से लौटने वाले प्रवासी मजदूरों के लिए प्रखंड व पंचायत स्तर पर क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है, जहां प्रवासी मजदूरों को समुचित व्यवस्था के साथ 14 दिनों तक रखना है। नीतीश सरकार लाख दावा कर ले कि क्वारंटाइन सेंटर पर समुचित व्यवस्था के साथ प्रवासी मजदूरों को रखा गया है, लेकिन यहां हकीकत तो कुछ और ही है। हम बात करते हैं सूर्यपुरा प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय अलीगंज में बने क्वारंटाइन सेंटर का, जहां प्रवासी मजदूरों के लिए सुविधाओं का घोर अभाव है। इस सेंटर पर रह रहे प्रवासी मजदूरों का सीधे तौर पर कहना है कि इस सेंटर पर हम लोग 8 मजदूर हैं। हम लोगों को यहां आए हुए 4 से 5 दिन हो गया, लेकिन हमें सरकार के द्वारा न तो खाने पीने का व्यवस्था किया गया है और न ही सोने का, न ही सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है और न ही बिजली पंखा की। जो भी व्यवस्था है हम लोग अपने से किए हैं। सरकार के द्वारा मात्र खान आपूर्ति की जा रही है। इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए जब दूरभाष पर बीडीओ पवन कुमार ठाकुर से 10 बार संपर्क साधा गया तो उनके द्वारा 1 बार कॉल रिसीव किया और बीडीओ साहब सीधे हाथ खड़ा कर पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। क्या परेशानी है? परेशानी ये है कि हम लोग का कुछ मिला नहीं है गवर्नमेंट तरफ से, सिर्फ एक थाली या एक गिलास मिला है और बाल्टी एक मिला है, 4 आदमी पे 1 बाल्टी मिला है। ना खाना का व्यवस्था है, ना लाइट की व्यवस्था, लाइट अपने से सब हम लोग खींचा है घर से तार मंगा के। फाइन भी नहीं है, इधर कुछ भी नहीं है, मतलब बेड वेड हम लोग को कुछ नहीं दिया है। आपको आए हुए कितना दिन हुआ? 4 दिन हो गया। खाना का व्यवस्था है? नहीं है, घर से मंगा रहे हैं हम लोग खाना। और बेड? बेड भी नहीं है। हम लोग नीचे फर्श पे सो रहे हैं, उधर फर्श पे सो रहे हैं नीचे। कहाँ घर हुआ आपका? घर हम लोग अलीगंज है। कौन सा ब्लॉक है? सिपुरा ब्लॉक है। किस क्वारंटाइन सेंटर पर आप लोग हैं? हम लोग अलीगंज स्कूल में है। आपका क्या नाम है? नाम मेरा उत्तम कुमार सिंह है। बताओ क्या परेशानी है? हम लोग बाहर से आए हुए हैं, यहाँ उत्क्रमित मध्य विद्यालय अलीगंज स्कूल में हैं और मुखिया जी से बोले थे कि हम लोग को ज़्यादा कुछ नहीं, खाना बनाने का व्यवस्था कर दीजिए। अभी तक कुछ मिला नहीं है, हम लोग का घर से खाना आ रहा है तो फैमिली वाला के लाने में भी प्रॉब्लम हो रहा है और हम लोग घर से मंगा के खाना खा रहे हैं। यहाँ खाली खाना बनाने का व्यवस्था मिल जाता तो उतना ही हम लोग के लिए काफ़ी रहता। आए हुए कितना दिन हुआ? हो गया अभी 2 दिन, आज तीसरा दिन है। इसके बावजूद भी अभी कोई व्यवस्था नहीं मिला? नहीं मिला। और सोने के लिए? सोने के लिए कुछ नहीं है, एक चटाई है, बेडशीट है, उसी पर हम लोग सो रहे हैं। मच्छरदानी वगैरह मिला है? कुछ नहीं मिला है, बस मच्छरदानी भी अपने घर से मंगाए हैं। एक मच्छरदानी में 4 लोग सो रहे हैं। विभाग की तरफ से आपको क्या मिला है? अभी थाली मिला है, गिलास मिला है और मतलब कपड़ा मिला है, चड्डी है, गंजी है, लुंगी मिला है, बस इतना ही मिला है। क्या परेशानी है? परेशानी है कि 4 आदमी पे 1 बाल्टी और 1 जग मिला है और जो और कुछ भी मिला है किट के अनुसार वो सब सामान हमारे लायक नहीं है, सब छोटा पड़ रहा है। और यहाँ बेड का व्यवस्था भी नहीं है, फैन का भी व्यवस्था नहीं है, लाइट का भी व्यवस्था नहीं है, खुद हम अपने से किए हुए हैं और खाना भी नहीं आ रहा है, मतलब कि बन रहे हैं यहाँ पे। अब विभाग के माध्यम से आप लोगों को खाना नहीं मिल रहा है? नहीं, घर से मंगाना पड़ता है। ना कोई हेल्प मिल रहा है। क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार सिंह। किस क्वारंटाइन सेंटर पर हैं? अलीगंज।